हेलो दोस्तों, चलो तो आज एक नई वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी ड्रेस हम बना करके तैयार करने वाले हैं और छोटे बड़े सभी के काम की ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहले ले लेंगे हम कपड़ा। कपड़ा यहाँ पर मेरे पास ये बचा हुआ कपड़ा था, उसी से हम ड्रेस बना रहे हैं, जिसकी लंबाई मैंने 16 इंच रखी है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। और कैसे हम बनाने वाले हैं आप देखने वाले हैं। तो ये देखिए, एक जो बंद वाला साइड है हमारे, उस साइड से उस साइड के कोने से हम रखेंगे हमारे इंची टेप को, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों तरफ उसको घुमाते हुए हम 16 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 16 इंच पे लगाया है। उसके बाद में देखिए, सेम उसी प्रोसेस के यानी कि बीच वाले हिस्से में इसके ऊपर ही रखेंगे हम, जहाँ से पहले नीचे निशान लगाया था उसी के साथ हम ऊपर वाले पे भी लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हमारा कमर का हिस्सा होने वाला है। आप थोड़ा कम या ज़्यादा, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ये हमारी स्केल्ट बन करके रेडी होगी, और बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी स्केल्ट बनने वाली है। आप छोटे बड़े किसी को भी लिए रेडी कर सकते हैं बिल्कुल इसी सेम प्रोसेस के साथ में। तो ये देखिए, अब हम नीचे से भी कटिंग कर देते हैं। बस इसका जब हमने निशान लगाया था, वो इसमें सबसे स्पेशल वाली बात थी कि उसको ये ध्यान रखना है, कॉर्नर से हमें पकड़ते हुए ही सारे इसमें गोल वाले निशान लगाने हैं। और ये देखिए, इस टाइप का कुछ कपड़ा आपके पास ही आपको मिलेगा, सी बोलिए या फिर चांद का टुकड़ा बोलिए, इस टाइप का ये पीस आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बेल्ट के लिए भी निकाल लेते हैं। बेल्ट यहाँ पे मैंने जो रबड़ लिया है वो हाफ इंच वाला रबड़ है, यानी कि पतले वाला रबड़ है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 इंच का ये मेरा बेल्ट के लिए कपड़े की चौड़ाई रख ली है। और ये देखिए, ये हमारी बेल्ट लगने के लिए रेडी हो चुकी है। अभी हमें कैसे लगाना है वो हम सिलकर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे दोनों कपड़े हमने सीधे लिए, यहाँ पे नीचे वाला बेल्ट वाला भी सीधा है और ऊपर जो स्केल्ट रखी है वो भी उसके ऊपर सीधे के ऊपर सीधी रखी है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। ज़्यादा खींचने की कोई से भी कपड़े को ज़रूरत नहीं है, ना ही नीचे वाले को और ना ही ऊपर वाले को, और इस टाइप का कुछ ही आपको मिलेगा। उसके बाद में देखिए, इसको थोड़ा सा हम नाखून से प्रेस कर देंगे तो ये क्या होगा कि हमारी जो स्केल्ट की जो फिनिशिंग है वो मस्त वाली आएगी। तो ये देखिए, इसको इस टाइप से अब हम मोड़ने वाले हैं, और मोड़ने के बाद में इसके ऊपर कर देंगे सिलाई, यानी कि ये हमारा नेफा बन करके रेडी हो जाएगा। और इसमें हम कोई नाड़ा नहीं डालने वाले, बल्कि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे इलास्टिक। और ये देखिए, बन करके हो गया है रेडी। इलास्टिक का जो मेजरमेंट की अगर हम बात करें, तो जिसका भी आप बना रहे हैं, बच्चे का, बड़े का, जिसका भी, उसका हमें ये ध्यान रखना है जितनी उसकी कमर है उससे 2 इंच हमें रबड़ का जो नाप है वो कम रखना है। जितना भी है आपका मेजरमेंट देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, उससे हमें 2 इंच इसका कम रखना है, तो हमारा वो जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल फिट आएगा। उसके बाद देखिए, बिल्कुल जैसे हम नाड़ा डालते हैं वैसे इस डोरी के अंदर हम इसको नेफे के अंदर सॉरी डाल देंगे। और डालने के बाद में इसके ऊपर से हम सिलाई भी करने वाले हैं। तो जब तक मैं ये सब कर रही हूँ, तब तक आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस भी कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ और बहुत कुछ आप सीख भी पाएंगे। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे वीडियो होती है वो सिलाई से रिलेटेड, जैसा कि मैं बता चुकी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा चैनल को वो सब जानते भी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ही चैनल पर आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे सिलाई से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, या फिर किचन से रिलेटेड, या फिर बच्चों से रिलेटेड। मतलब कहने का यही, कुछ भी आपको, ऑल इन वन ये चैनल है हमारा। और ये देखिए, उसके बाद में इसको हम मोड़ लेंगे नीचे से, और नीचे से एकदम सफाई से मोड़ेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा कपड़े को मोड़ते हुए लेकर के आएंगे, ताकि सिलाई एकदम अच्छे से हो जाए। और ये देखिए, होने के बाद में इसमें हम साइड वाला जो टाका है वो भी लगा देंगे। वो लगाते समय ध्यान रखें नीचे से हम इसको पकड़ लेंगे, ताकि जो भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो तो वो एकदम फिक्स होकर के साइड इसके आस के। और ये देखिए, स्केल्ट बन करके हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। इसमें हम थोड़ा सा और डिजाइन बना देंगे, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के एकदम सिंपल सी सुंदर सी स्केल्ट हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। उसके बाद में देखिए, छोटा सा हमने ये ले लिया है यहाँ पे डोरी, जो हम ब्लाउज वगैरह में बनाते हैं, जिनकी तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी हैं, आप चाहें तो उनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको लटकन के डिज़ाइन मिल जाएंगे। उसी का एक ये छोटा सा रूप है जो कि हम इस पर स्केल्ट पे लगाने वाले हैं। और हाँ, स्केल्ट के साथ में हम ऊपर का टॉप भी बनाने वाले हैं, और ऑलरेडी भी बहुत सारे टॉप की वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप खुद भी क्रिएटिव रहना चाहते हैं, तो आपको ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और हाँ, दूसरी वीडियोज भी जा करके ज़रूर से देखिए। और आने वाली वीडियो है इसकी, वो हम इसका ऊपर का टॉप बनाने वाले हैं। आज हमारी स्केल्ट रेडी हो चुकी है, तो ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा और कुछ बना देते हैं, ताकि हमारी जो बेबी ड्रेस है वो बिल्कुल क्यूट सी लगे। और ये इस प्रकार से हमारी बन करके हो जाती है रेडी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है, या फिर आपको कैसे लगी वीडियो, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे कपड़ों की वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी, चाहे वो
ऊपर के कपड़े हों या फिर नाइटी वगैरह हो, हमारे चैनल पे आपको हर टाइप की वीडियो मिल जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।